एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी मिना हिल। और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है बिग ब्लास्ट एट पाकिस्तान रेलवे स्टेशन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विल बी कैंसल। और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। सो आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान के शहर क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक। और इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाऊंगा। धमाके वहाँ पे दिन पे दिन होते रहते हैं, और अगर हमने वहाँ पे अपनी इंडियन टीम को भेज दिया तो क्या ही होगा। ये पाकिस्तानियों में दिमाग वैसे भी नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडियन टीम को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया। ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, क्वेटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई, अटैक हुआ है आज। हाँ, आज। और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये खवारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, दाइश जिसने पैदा किया ना, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका या इस जारी बात है, जारी बात है। लेकिन हम, अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी आ गई। तासुर तो ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये खवारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे इदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर करते? मेरी बात सुने, बात पता क्या, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना। हाँ। वो आपको भी पता की ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा, इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान को, इमरान खान आया था। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला। वैसे नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, बोस्निया। अच्छा। वाला हाल होता। ठीक है, तो पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं। हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान। अच्छा। उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका काम है। लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान की, कुरान के हवाले से ये खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों को मजमू। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते? मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, यहूदों ने सारा। अच्छा, तो फिर हम क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज, अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको, यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली। अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है, ऐसे मुल्क तो दुनिया में किसकी एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल। अफगानिस्तान में बिल्कुल किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है। अच्छा, वो बहुत बेहतर है, तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ये सारे नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है, अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो,
अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है, ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान गए, आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना, आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया के जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने, चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों बचाऊं? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिल आजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया। वो अभी लेट्स सपोज बीएलए ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो की पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये पाकिस्तान की तंजीम, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है। हाँ जी, और मेरी बात सुनने बाद आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना वही होना। अब हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी हुक्मरान है और गवर्नमेंट है। तो ये भाई साहब जो है ना, ये ज्यादा ही डिनायल में जी रहे थे, और इन्ही तरह के जो पाकिस्तानी है ना, उन्होंने आंखें जो है ना वो अपनी बंद की होती हैं, और वो सिर्फ जो है ना वो डिनायल में ही जीना चाहते हैं। उनको रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और वो डिनाइल में ही रहना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतनी बड़ी बात है, ब्लास्ट हो रहे हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, कितने लोगों की जाने चली गई हैं, कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन इन्होंने अपने डिनाइल मोड से हिलना नहीं है। इन्होंने यही कहना कि भाई कुछ भी हुआ है इंडिया ने करवाया, कुछ भी हुआ इंडिया की साजिश है, कुछ भी हुआ जी अमेरिका ये नहीं चाहता इंडिया। हम कब तक दूसरों के ऊपर ब्लेमबाजी करना बंद करेंगे? कब हम दूसरों के ऊपर ब्लेमबाजी करना बंद करेंगे? हम कब खुद के ऊपर अपने गिरीबान में कब हम जा कर देखेंगे कि नहीं यार, हमारी भी कोई गलती है, हमारे भी कुछ फ्राइज हैं, हम भी कुछ इसके हिस्सेदार हो सकते हैं? मतलब हर चीज़ जो है वो जो तंजीम या जो भी ग्रुप ये करता है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि यार हाँ ये मैंने किया, और बड़े खुलेआम करता है, और कोई उनको सजा नहीं दी जाती, कोई उनको उनकी पकड़ नहीं होती है, खुलेआम वो कहीं पर भी कुछ भी करके तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये हमने किया, और खुलेआम करते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई उनको पकड़ सकें या उनको सजा दे सकें। किसी में इतनी वो नहीं है, कोई गवर्नमेंट में इतना इतने कहते हैं कि वो सर पैर नहीं है उनमें कि वो उनको पकड़ के भाई आप इतने धड़ल्ले से एक्सेप्ट कर रहे हो एक चीज़ के, ये मैंने किया। मतलब वही चीज़ वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं एक डार्क रियलिटी को, जो जो जिनको पता हो कि भाई हमारे खिलाफ़ कुछ होना नहीं है, ये इतने जोगे है ही नहीं है, तो इनको मतलब पता है कि भाई ये इतने जोगे नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इन्होंने हमें कुछ नहीं कहना, तो हम धड़ल्ले से सब कुछ कर भी लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन हमारी जो आवाम है उन्होंने तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। वो तो जो यही कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अमेरिका ने किया है, इंडिया ने किया, अफगानिस्तान ये नहीं चाहता, फलां मुल्क ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में। मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो जल्द से जुलूस होने चाहिए, लेकिन फिर वो बात के आवाम इन लोगों के खिलाफ जल्द से जुलूस निकालने से या धरना देने से डर जाती हैं, वो दुबक के बैठ जाती हैं कि भाई हमारे अगेंस्ट ना कहीं हो जाए, कहीं हमें नुकसान ना पहुंचे, वो फिर पूरे मुल्क का नहीं सोचेंगे। इन्हीं चीज़ों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होकर आ गया, कोई यहाँ पर आता नहीं। अब जैसे ये चैम्पियंस ट्रॉफी होनी थी यहाँ पर, वो कैंसिल हो गई है इसकी वजह से, इन और शायद यही रीज़न हो, इसी को बंद कराने के लिए ये चीज़ की गई हो। तो फिर कौन दूसरे मुल्कों से लोग कैसे यहाँ पर आएंगे? खेल तबाह होकर रह जाएंगे, सब चीज़ें तबाह होकर रह जाएंगी। ऐसे तो कोई भी पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा, पहले ही नहीं करता, और लेकिन फिर भी हम जो बड़ा उनको दे दिला के, हौसला दे दिला के, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करके अगर उनको बुला भी लेते हैं हम, तो वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे कि यार नहीं जी ये हो जाता है, हम तो रुख ही नहीं करेंगे पाकिस्तान का। तो ये सूरत हाल है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का क्या कहना है इसके ऊपर। यह था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।